हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राइस प्रोसेसिंग। राइस की प्रोसेसिंग कैसे होती है आज सारे स्टेप्स जानेंगे साइकिल्स के थ्रू भी। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालेंगे राइस का। साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Rice is one of the most important staple food in the world, feeding over of half of the global population. It plays a vital role in the diet and cultures of many countries, particularly in Asia, where it is a central part of everyday meals. Rice is grown primarily in warm tropical climates with abundant water resources. Through modern agriculture techniques have allowed it cultivation in more varied environments. चावल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है जो वैश्विक आबादी के आधे से अधिक लोगों का पेट भरता है। ये कई देशों के आहार और संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर एशिया में जहां ये रोजमर्रा के भोजन का एक केंद्रीय हिस्सा है। चावल मुख्य रूप से प्रचुर जल संसाधनों के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। हालांकि आधुनिक कृषि तकनीकों ने अधिक विविध वातावरणों में इसकी खेती की अनुमति दी है। राइस आल्सो हैज एन इमेंस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज इट इज अ मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटी। कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम आर अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द राइस। बियॉन्ड बीइंग अ फूड सोर्सेज राइस प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग सपोर्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम स्मॉलर हुड फार्मर्स टू लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। चावल का अत्यधिक आर्थिक महत्व भी है क्योंकि ये एक प्रमुख कृषि वस्तु है। चीन, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश चावल के सबसे बड़े उत्पाद और उपभोक्ताओं में से हैं। खाद्य स्रोत होने के अलावा चावल का उत्पादन और प्रसंस्करण दुनिया भर में छोटे किसानों से लेकर बड़े पैमाने के कृषि उद्योगों तक लाखों नौकरियों का समर्थन करता है। डेफिनेशन ऑफ राइस। बॉटनिकल डेफिनेशन। राइस इज द सीड ऑफ द ग्रास स्पाइसेस ओरिजा सेटिवा, एशियन राइस और ओरिजा ग्लेबेरिमा, अफ्रीकन राइस। इट इज एन एनुअल ग्रास दैट प्रोड्यूसेस एडिबल ग्रेन्स एंड बिलोंग्स टू द पोशिया फैमिली विच ऑल्सो इंक्लूड वीट, कॉर्न एंड बर्ले। द प्लांट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1 to 1.8 meters and thrives in flooded environments such as paddies, through some rice varieties and adapted for upland drier cultivation. वनस्पति परिभाषा। चावल घास प्रजाति ओरिजा सेटिवा, एशियाई चावल या ओरिजा ग्लेबेरिमा, अफ्रीकन चावल का बीज है। ये एक वार्षिक घास है जो खाने योग्य अनाज पैदा करती है और पोएसी परिवार से संबंधित है जिसमें गेहूं, मक्का और जौ भी शामिल है। पौधा लगभग 1 से 1.8 meters की ऊंचाई तक भरता है और बाढ़ वाले वातावरण जैसे धान के खेतों में पनपता है। हालांकि चावल की कुछ किस्मों को ऊपरी शुष्क खेती के लिए अनुकूलित किया जाता है। Culinary definition. Rice refers to the edible starchy grains that cooked and consumed in various form across the globe. It is a versatile ingredient used in dishes ranging from simple boiled rice to complex recipes such as sushi, risotto, biryani and paella. Pak sambandhi paribhasha. चावल खाने योग्य स्टार्चयुक्त अनाज को संदर्भित करता है जिससे दुनिया भर में विभिन्न रूपों में पकाया और खाया जाता है। ये एक बहुमुखी सामग्री है जिसका उपयोग साधारण उबले चावल से लेकर सुशी, रिसोटो, बिरयानी और पेला जैसे जटिल व्यंजनों तक किया जाता है। टाइप्स ऑफ राइस। राइस ग्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन साइज, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ग्रेन, कलर व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड प्रोसेसिंग मेथड्स पर बॉइल्ड, पॉलिश्ड एंड अनपॉलिश्ड। Brown rice retain its brown layer, making it more nutritious, while white rice is polished, removing the brown and germ, leaving behind the starchy endosperm. चावल के दानों का आकार छोटा, मध्यम और लंबे दाने, रंग,
सफेद, भूरा, काला, लाल और प्रसंस्करण विधियों उबला हुआ, पॉलिश किया हुआ या बिना पॉलिश किया हुआ के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ब्राउन चावल अपनी चोकर की परत को बरकरार रखता है जिससे यह अत्यधिक पौष्टिक हो जाता है, जबकि सफेद चावल को पॉलिश किया जाता है, चोकर और रुगाणु को हटा दिया जाता है जिससे स्टार्चयुक्त एंडोस्पर्म पीछे रह जाता है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस, फूड स्टेपल फॉर बिलियंस ऑफ पीपल पर्टिकुलरली इन एशिया, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका, राइस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैलोरीज। खाद्य प्रधान अरबों लोगों के लिए विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में चावल कैलोरी का प्राथमिक स्रोत है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, राइस हैज डीप कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन मैनी सोसाइटीज, सिम्बलाइजिंग फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ। इन मैनी एशियन कल्चर इट इज ऑफन फीचर्ड इन रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज। सांस्कृतिक महत्व, चावल का कई समाज में गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है जो कई एशिया संस्कृतियों में उर्वरता, समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। इसे अक्सर धार्मिक और सामाजिक समारोहों में प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द राइस इंडस्ट्री प्रोवाइड लिवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल एंड इज अ की एक्सपोर्ट कमोडिटी फॉर मैनी कंट्रीज। आर्थिक प्रभाव, चावल उद्योग लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और कई देशों के लिए प्रमुख निर्यात वस्तु है। राइस प्रोसेसिंग, अब आते हैं मेन प्रोसेसिंग क्या क्या होती है। फर्स्ट स्टेप, राइस प्रोसेसिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमीज दैट रियली ऑन राइस एज अ स्टेबल फूड। द प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस फ्रॉम हार्वेस्टिंग द राइस पैडी टू ऑब्टेनिंग द फाइनल प्रोडक्ट फॉर कंजप्शन। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइस प्रोसेसिंग इंक्लूडेड। चावल प्रसंस्करण कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो मुख्य भोजन के रूप में चावल पर निर्भर है। इस प्रक्रिया में धान की कटाई से लेकर उपभोग के लिए अंतिम उत्पाद प्राप्त करने तक कई चरण शामिल हैं। चावल प्रसंस्करण में शामिल चरणों में शामिल है, सबसे पहला स्टेप आता है पैडी हार्वेस्टिंग। टाइमिंग, हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन व्हेन द राइस ग्रेन हैज मैच्योर्ड बट बिफोर ओवर राइपनिंग अकर्स टू एंश्योर मैक्सिमम याइल्ड एंड क्वालिटी। समय कटाई और आमतौर पर तब की जाती है जब चावल का दाना परिपक्व हो जाता है, लेकिन अधिक पकने से पहले अधिकतम उपज और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। मेथड, इट कैन बी डन मैनुअली और विद द यूज ऑफ मशीनरी लाइक कंबाइंस डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द फार्म एंड द लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। इस खेत के पैमाने और मशीनीकरण के स्तर के आधार पर मैनुअल रूप से या कंबाइन जैसी मशीनरी के उपयोग से किया जा सकता है। थ्रेशिंग पर्पस है, द हार्वेस्टिंग राइस पैडी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उद्देश्य, कटे हुए चावल के दान को डंठल से अलग करना चाहिए, इस प्रक्रिया को ही थ्रेशिंग कहते हैं। जो कटा हुआ धान होता है उसको डंठल से अलग करना, उसे कहते हैं थ्रेशिंग। मेथड, इट कैन बी डन मैनुअली और विद मैकेनिकल थ्रेशर्स व्हिच रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। यह मैनुअल रूप से यह यांत्रिक थ्रेशर के साथ किया जा सकता है और कटी हुई फसल में अनाज निकालता है। क्लीनिंग एंड ड्राइंग, क्लीनिंग, वंस थ्रेश्ड द राइस ग्रेन आर क्लीन टू रिमूव डर्ट, स्ट्रॉ एंड अदर इम्प्योरिटीज। एक बार गहराई करने के बाद चावल के दानों को गंदगी, भूसे और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए साफ किया जाता है। ड्राइंग, ड्राइंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन राइस। इफ नॉट प्रॉपरली ड्राइड, राइस कैन स्पॉइल और बिकम ससेप्टेबल टू पेस्ट। टिपिकली द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू अबाउट 14% फॉर स्टोरेज एंड 12% फॉर मिलिंग। सुखाना, चावल में नमी की मात्रा कम करने के लिए सुखाना आवश्यक है। यदि ठीक से ना सुखाया जाए तो चावल खराब हो सकता है या कीटों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। आमतौर पर भंडारण के लिए नमी की मात्रा लगभग 14% और मिलिंग के लिए 12% तक कम कर दी जाती है।
हलिंग, purpose है हलिंग और dehusking is the process of removing the husk or outer shell of the paddy rice. धान, धान के चावल की भूसी या बाहरी आवरण को हटाने की प्रक्रिया को छिलका उतारना या dehusking कहा जाता है. मेथड, द हस्क इज यूजुअली रिमूव थ्रू मैकेनिकल मेथड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. रबर रोल हलर्स आर कॉमनली यूज्ड व्हिच कॉज मिनिमल डैमेज टू द क्रेन. भूसी को आमतौर पर यांत्रिक तरीकों से हटा दिया जाता है. बड़े पैमाने पर उत्पादन में आमतौर पर रबर रोल हलर्स का उपयोग किया जाता है जो अनाज को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं. मिलिंग, राइस वाइटनिंग मिलिंग में फर्स्ट आएगा. द मिलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग द ब्रन लेयर फ्रॉम द राइस. दिस गिव अस वाइट राइस विच इज पॉलिश्ड एंड रेडी टू कंजप्शन. चावल को सफेद करना, मिलिंग प्रक्रिया में चावल से भूसी की परत को हटाना शामिल है. इससे हमें सफेद चावल मिलता है जो पॉलिश होकर उपभोग के लिए तैयार होता है. ब्राउन राइस, सम प्रोसेसिंग स्टॉप्स एट रिमूविंग द हस्क विदाउट टेकिंग ऑफ द ब्रन लेयर्स प्रोड्यूसिंग ब्राउन राइस विच इज मोर न्यूट्रिशियस बट हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ. ब्राउन चावल कुछ प्रसंस्करण भूसी की परत को हटाए बिना भूसी को हटाने पर रुक जाता है जिससे बुरे चावल का उत्पादन होता है जो अधिक पौष्टिक होता है लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है. ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग प्रपस, दिस स्टेप इन शॉर्ट दैट द फाइनल राइस प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम ब्रोकन ग्रेन्स स्टोन्स एंड अदर इम्प्योरिटीज. ये चरण सुनिश्चित करता है कि अंतिम चावल उत्पाद टूटे हुए अनाज पत्थर या अन्य अशुद्धियों से मुक्त है. मेथड, ऑटोमेटिक मशीन एंड कॉमनली यूज्ड टू सॉर्ट राइस ग्रेन बेस्ड ऑन साइज कलर एंड क्वालिटी. आकार रंग और गुणवत्ता के आधार पर चावल के दानों को हटाने के लिए आमतौर पर स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है. पैकेजिंग एंड स्टोरेज, द राइस इज पैक्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन टू मार्केट. पैकेज्ड मस्ट बी डन केयरफुली टू प्रोटेक्ट द राइस फ्रॉम मॉइस्चर पेस्ट एंड कंटामिनेशन. पैकेजिंग, चावल को भंडारण या बाजारों में परिवहन के लिए पैक किया जाता है. चावल को नमी, कीटों और संदूषण से बचाने के लिए पैकेजिंग सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए. स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन आर क्रिटिकल टू प्रिवेंट स्पॉइलेज स्पेशली इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट. स्टोरेज फैसिलिटी नीड टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू प्रिजर्व द राइस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. भंडारण, खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण की स्थिति महत्वपूर्ण है खासकर आर्द्र वातावरण में. भंडारण सुविधाओं को चावल को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है. बाय प्रोडक्ट्स ऑफ राइस प्रोसेसिंग, राइस हस्क यूज्ड इन बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन एनिमल फीड और एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. चावल की भूसी बायोमास ऊर्जा उत्पादन पशु चारा या जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग की जाती है. राइस ब्रन कंटेन्स ऑयल एंड इज यूज्ड इन एनिमल फीड और प्रोसेस फर्दर टू एक्सट्रैक्ट राइस ब्रन ऑयल विच इज वैल्यूएबल इन कुकिंग एंड कॉस्मेटिक्स. चावल की भूसी, इसमें तेल होता है और इसका उपयोग पशु आहार में किया जाता है. यह चावल की भूसी का तेल निकालने के लिए आगे संसाधित किया जाता है जो खाना पकाने और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए मूल्यवान है. ये पूरी साइकिल है जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े हैं डिटेलिंग में. तो आप पहले साइकिल बना के बाद में भी उसके स्टेप्स दे सकते हैं. पहले स्टेप बता के आप साइकिल के थ्रू दिखा सकते हैं. फर्स्ट राइस हार्वेस्ट, फिर थ्रेशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग, हलिंग, डीहस्किंग, मिलिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग एंड स्टोरेज. थैंक यू. वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.